हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह मेरी आँख उड़ रही है फट फट करके, और अभी मैं रिले कर रही हूँ पानी गरम, और लड्डू तो खा लिया है, ग्रीन टी भी पी ली है, पर अभी मेरे को पानी पीना था पी रही हूँ, और साथ ही साथ ये भिगी हुई बादाम भी खा रही हूँ। मम्मी भिगा के गए और आज मम्मी है नहीं घर पर, सो इसीलिए बच्चों को अभी नहाने गए, बाहर बाथरूम के बाहर जूते रख देती हूँ उनके, ठंड लगती है उनको बहुत इससे। जूते बाहर रख दिए, वो समझ जाएंगे रूमा नहीं रखे हैं यूँ, तो उनको सही लगेगा क्योंकि नहा के निकलते तो ज़्यादा ठंड लगती है ना। आजकल ठंड में बहुत ज़्यादा आलस आती है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाती हूँ। और अभी खाने की क्या तैयारी करूँ मैं, खाने की एक बार थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ, फिर नहाने के लिए जाऊँगी। मिट्टू की सोया, मिट्टू को उठा देती हूँ। इतनी ठंड लग रही है तुमको। चलो तुम्हारे पिंजरा पिंजरा साफ़ कर देते हैं। इनका पिंजरा तो मैंने साफ कर दिया है, और अब इनके खाना वगैरह मैं रख देती हूँ। ये मिट्टू का खाना, इसमें है मिर्ची, भुट्टे और जामफल, एप्पल और मटर। शांति बालक, शांति। चलो इनके खाने की तो अपन ने व्यवस्था कर दी, अब अपने खाने की भी कर देते हैं, आधी अधूरी व्यवस्था करके फिर नहाने करने जाएंगे। और बाहर आज तो धूप निकली है, पर ठंड बहुत है यार, बहुत ज़्यादा ठंड। मैं हो चुकी हूँ नहा कर रेडी, और आज का टेम्परेचर तो बात ही जाने दो, 15-16 होगा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और अभी हम बना रहे हैं खाना, और खाने में डिसाइड हुआ है कि मैं कढ़ी बनाऊँ। अब कढ़ी कौन सी बनाऊँ, कड़ी वाली बनाऊँ या फिर सिंपल कड़ी बनाऊँ? एक फ़ोन घुमा देती हूँ, दुकान में दही भी चाहिए ना। प्लेन कड़ी तो बन गई है, बस ये पकौड़ी बनाई है, तो ये जब कड़ी उबलेगी फिर ये पकौड़ियाँ इसके अंदर जाएगी, तो तब तक मैं आटा भी बांध देती हूँ, चावल रख देती हूँ। खाना बन रहा है, और रात की जो पाव भाजी थी वो भी गर्म कर देती हूँ, खाने में खिला जाएगी। और अभी कैमरा रख देती हूँ एक तरफ, खाना वगैरह सब खा के फिर आपसे मिलेंगे। खाना वगैरह सब खा लिया है, अब चलेंगे शॉप पर, आंटी जी काम कर रहे हैं इसलिए काम जैसे ही होता है घर वगैरह सब क्लोज़ कर चली जाऊंगी। और कल नहीं आने वाले आंटी जी, 31st अपनी ज़ोरदार होने वाली है, देखते हैं आप कल कैसी होती है 31st। मैं आ गई हूँ बाहर, और अब करती हूँ चिकू को कॉल, लेने आ जाए मुझे। चिकू जब तक लेने आते हैं तब तक यहाँ बाहर बैठी हूँ, पर क्या ठंड लग रही है, और कितना ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है, और हवा भी बहुत अच्छी। अभी सारे कपड़े लिए वहाँ से पीछे से, और सारे कपड़े इकट्ठे करके अंदर रख के आई हूँ, और गेट लॉक करके वापस खोला, बहुत गुस्सा आता है ऐसा कभी होता है तो। और अंदर कान्हा जी की रखी हुई किस्में बार पड़ी हुई थी, तो मैंने मेरे लिए ले ली। आज तो जब से शॉप पे आई हूँ तब से काम में ही लगी हुई थी, अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, और अभी बज रही हैं 4, यानी साफ़ सफ़ाई का काम सब जगह पे हो रहा था, थोड़ा थोड़ा अंदर स्टोर स्टूडियो में भी थोड़ा सा सही मैनेज कर रही थी, क्योंकि कल परसों से तो ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट करने का मैं सोच रही हूँ, ताकि कंटिन्यू हो जाए, अभी थोड़ा सीज़न ऑफ है इस वजह से, और अब आपके पास बैक टू बैक ट्यूटोरियल आने वाले हैं। और आज मेरे को तबीयत मेरी सही नहीं लग रही है, हेयर वॉश भी करवाना, हेयर वॉश करवा देती हूँ एक बार। हेयर वॉश हो चुका है, अब मैं मेरी आईब्रो बनवा रही हूँ, अभी थोड़ी बहुत आई है तो बनवा देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा इसलिए, तो आईब्रो अभी बन रही है। अब देखो अभी तो आईब्रो का ये हाल है, अभी ज्योति बनेगी। तो आज मैंने जो 2-3 दिन पहले वाइट नेल पेंट लगाई थी, वो एक्चुअली क्या मेरे ऊपर सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि खाना वगैरह का काम रहता है, खाना वगैरह बनाने का, तो हल्दी वगैरह लगती है तो पीली पड़ जाती है, हालांकि इतनी भी ज़्यादा पीली नहीं हुई है, पर मैं इसको अभी रिमूव कर दूँगी और दूसरी नेल पेंट अच्छा सा कलर लगाऊँगी। तो चलिए चलो बाहर, और बता दूँ कौन कौन से शेड्स हैं।
आगे शॉप पर तो आ गई हूँ, पर सारे नेल पेंट्स देख रही हूँ और कितने अच्छे अच्छे शेड्स हैं, आप देख सकते हो। मिस कॉस के नेल पेंट्स हैं ये, और अभी और न्यू ग्लिटरी शेड्स आए जो थी वाला बॉक्स है ना, सारे ग्लिटरी शेड्स और आए। और जो मुझे ये वाला शेड लगाने की इच्छा है तो अभी फाइनलाइज करेंगे, एक शेड और चूज करेंगे जिसमें दोनों मिक्स एंड मैच करके ये वाला शेड लगाएंगे। और कौन सा लगा सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है कि ये तो मैंने गोल्डन लगा रखा है ना पहले, ये इस टाइप का लगाएं, थोड़ा मरकरी टाइप का है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। ज्योति डिसाइड कर रही है मेरे लिए लास्ट कर दे ठीक है। चलो अभी ये डिसाइड हुआ है, पूरे में एक ही कलर लगेगा तो अभी हम दोनों हाथों में एक ही कलर लगाने वाले हैं, वो भी पूरा ग्लिटर। पहले मैंने कभी नहीं लगाया है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है ग्लिटर इन एलिफेंट लगाने का कम्प्लीटली। और इसमें से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे शेड्स हैं, कभी मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगी। नेल पेंट में इतने ज़्यादा शेड्स हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है आपको बताने का, पर एक दिन फ्री होकर बताती हूँ। एक बार इस नेल पेंट को कर देते हैं रिमूव, अब लग रही है नेल पेंट रिमूव हो गई है। हमने अभी ग्लिटरी नेल पेंट चेंज कर दी है और पूरी गोल्डन ही लगा रहे, क्योंकि इसके अंदर पिंक शिमर था जो कि मेरे हाथों पे नहीं अच्छा लग रहा था, तो अब ये वाली लग रही है। नेल पेंट लग चुकी है मेरी, जो कि मैंने लगाई है ग्रेश कलर में, थोड़ा सा शिमरी कलर है बट नॉट ग्लिटर, ग्लिटर नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है। चलो कुछ दिनों के लिए ये शेड भी ट्राई कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। और अब चिकू को कॉल कर देती हूँ, जाना है अब घर पर। घर पर आ गए हैं और अभी जस्ट चिकू ने मेरे कैमरे की बैटरी चेंज करी और मिट्टू को दिया खाना, क्योंकि पूरा दिन अकेले थे बेचारे, इनको भी भूख लगी थी। और हम आज जा रहे हैं होटल में खाना खाने के लिए, क्योंकि चिकू का मूड है आज होटल में खाना खाने का, तो वहीं पर चलेंगे। पापा मैं और चिकू ही हैं और हैप्पी भी अभी हमारे साथ में है, तो हम सब जने होटल जाने वाले हैं और कैमरा घर पर ही रहेगा। और बहुत ज़्यादा ठंड का भी आभास है। होटल से खाना खा के आ गए और जैसे ही खाना खा के आई, वैसे मैंने मेरे यूट्यूब स्टूडियो में देखा तो मुझे पता चला कि मेरे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक्स। और जल्दी से जल्दी बढ़ाओ और फास्ट बढ़ाओ, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर व्लॉग्स डाल रही हूँ। और कितने टाइम तो ऐसा रहता है ना, सिचुएशन नहीं होती है व्लॉग करने की, तो भी मैं आप लोगों के लिए ही सिर्फ करती हूँ, तो इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ा दो वैसे ही। और यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड, और मैं बहुत खुश भी हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।